हमें बड़े लोग बोलते हैं स्टे ग्राउंडेड, तो हमें लगता है क्या बोल रहे हैं, इन्होंने अचीव क्या किया है जो इन्हें समझ में आएगा कि ग्राउंडेड रहो। इससे आपको एक कहानी बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि जब अर्जुन जा रहे थे कृष्ण जी को लास्ट रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए, उनको तीर लग गया था, तो रस्ते में नारद मुनि मिले और उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन कृष्ण जी को हाथ मत लगाना नहीं तो तुम्हारी सारी पावर ले लेंगे। ठीक, तो वो पहुंचे कृष्ण जी के पास और कृष्ण जी भी आपको पता ही है, उन्होंने अर्जुन को कहा कि मेरे को यहाँ पर पैर के पास जो तीर लगा है ना, इचिंग हो रही है, जरा तुम इच कर दोगे? तो अर्जुन हिचकिचाने लगे, कृष्ण जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा तुम हाथ मत लगाओ, एक काम करो अपने तीर से कर दो। अर्जुन ने तीर से इचिंग कर दी उनके पैर पर और कृष्ण जी ने सारी ब्लेसिंग्स जो तीर को दी हुई थी वो वापस ले ली। फिर उन्होंने कहा, अर्जुन गोपियां मुझे मिलने आ रही हैं, तुम जरा जाओ और उन्हें साथ में लेकर आओ, देखो कोई लूट फूट ना हो। तो जब अर्जुन आ रहे थे रस्ते में तो काबी नाम का एक लोकल लुटेरे ने अर्जुन को लूटा और वो अर्जुन जो पूरी की पूरी कौरव की आर्मी को हरा चुके थे, एक छोटे से लुटेरे से हार गए। और इस बात पर ये कहा गया कि समय बलवान है, मनुष्य बलवान नहीं है, तो आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। कहीं कहीं बड़ी बड़ी सिचुएशन में आप जीत जाते हैं और छोटी से छोटी सिचुएशन में हार जाते हैं। इफ यू आर हम्बल, इफ यू आर ग्राउंडेड, तो आप अपनी हार को कभी भी अपने दिल और दिमाग पे नहीं लगाओगे और जीत को यहाँ हावी नहीं होने दोगे। हेंस यू नेवर लूज इन लाइफ। जब आप अपनी सक्सेस को अपने दिमाग पे हावी ना होने दो और अपनी हार को अपने दिल पे हावी ना होने दो, देन यू आर ऑलवेज अ विनर इन लाइफ। दिस इज व्हाट वी शुड लर्न एंड स्टे हम्बल।